दिस इज चारू जैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स पाठशाला। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे डी ट्रिपल एस पी, एनटीटी, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, चाहे डी ट्रिपल एस पी की आप कोई भी पोस्ट दे रहे हो उसमें हमारा जो सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, उसमें मैं आपको कराऊंगी चैप्टर वन इंडियन हिस्ट्री। चैप्टर वन इंडियन हिस्ट्री बड़ा है, बेसिकली जनरल अवेयरनेस ही सब्जेक्ट काफी बड़ा है, तो धीरे धीरे टुकड़ों में ही मैं कराऊंगी वीडियो वाइज, और हर टॉपिक को एक छोटे सेगमेंट करके और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए हम पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री, यानी कि हमें अपनी इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है। इंडियन हिस्ट्री क्या थी, तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्या होती है। सो हिस्ट्री का मतलब होता है पास्ट की स्टडी, यानी कि जो हमारा काल बीत गया है उसके बारे में स्टडी करना, दैट इज नोन एज स्टडी ऑफ पास्ट, इज नोन एज हिस्ट्री। अब आगे बढ़ते हैं, जो ये हिस्ट्री है ये वर्ड आया कहां से है, जो ये हिस्ट्री है ये वर्ड आया है हिस्टोरिया। हिस्ट्री जो है एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है, और हिस्टोरिया का क्या मतलब है, हिस्टोरिया का मतलब है रिसर्च, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, यानी कि ये तीनों वर्ड्स यहाँ पर बताते हैं रिसर्च, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आप ये तीनों चीज हिस्ट्री में पढ़ोगे, ये चीजें हिस्ट्री में होती है। हिस्ट्री क्या होता है, स्टडी ऑफ पास्ट, और हिस्ट्री किस वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, जिसका मतलब है रिसर्च, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। आगे बढ़ेंगे हिस्टोरिया, अब हम देखेंगे कि हिस्टोरिया का क्या मतलब होता है, हिस्टोरिया एक्चुअली होता क्या है। सो हिस्टोरिया इज नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। हिस्टोरिया होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन से, जो आपने इन्वेस्टिगेट किया, जो आपने खोजबीन की, उससे जो आपने नॉलेज ली, वो होता है हमारा हिस्टोरिया, वो हमारा क्या होता है, हिस्टोरिया। अब हम देखते हैं हेरोडोटस, हेरोडोटस कौन थे, हेरोडोटस जो है एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, यानी कि ग्रीस के हिस्टोरियन थे, और ये फर्स्ट रियल हिस्टोरियन इन्हें बोला जाता है वर्ल्ड के, यानी कि वर्ल्ड के फर्स्ट रियल हिस्टोरियन कौन थे, हेरोडोटस। क्वेश्चन अगर आए हु वाज द फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ वर्ल्ड, आपका आंसर लिखोगे हेरोडोटस। इन्होंने सिर्फ एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था द हिस्ट्रीज, यानी कि इन्होंने एक बुक लिखी वो थी द हिस्ट्री, और कब लिखी, 430 बीसी में। अब उस बुक में क्या था, वो बुक डिस्क्राइब करती थी बैकग्राउंड्स और इवेंट्स जो कि ग्रीक में हुए, ग्रीक और इरानियन के वॉर्स के बीच में हुए, या ग्रीक और पर्शियन वॉर्स जो हुआ, इनके बीच का जो भी चीजें हुई वो किस कौन बताता है, द हिस्ट्रीज की बुक में बताया जाता है। अब देखते हैं रोमन फिलोसोफर, जो ये थे हमारे सिसरो, सिसरो कौन थे, रोमन फिलोसोफर थे, और इन्होंने हेरोडोटस को बोला द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो अगर क्वेश्चन यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं, हु कॉल्ड हेरोडोटस द फादर ऑफ हिस्ट्री, तो आपका सिसरो, एंड अगर क्वेश्चन आए हु वाज रोमन फिलोसोफर, तो आप सिसरो पे टिक करोगे, एंड हु वाज द फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे, हेरोडोटस थे। फर्स्ट रियल ग्रीक हिस्टोरियन कौन थे, हेरोडोटस थे, और रोमन फिलोसोफर कौन थे, सिसरो थे। नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, अब मॉडर्न हिस्ट्री के फादर कौन थे, सो लियोपोल्ड वॉन रंके, मॉडर्न हिस्ट्री के फादर थे लियोपोल्ड वॉन रंके, ये जर्मन हिस्टोरियन थे, ये क्या थे, जर्मनी के, यानी जर्मन हिस्टोरियन थे, कौन था, लियोपोल्ड वॉन रंके, ये थे फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। अब आगे कराऊंगी, यहां तक स्क्रीनशॉट लो फिर इसको रब कर दूंगी। अब आगे समझते हैं, हमने पढ़ लिया हिस्टोरियन कौन था, वर्ल्ड हिस्टोरियन कौन था, रियल वर्ल्ड, या आपका फर्स्ट हिस्टोरियन कौन था। अब हम पढ़ेंगे हिस्टोरियन का वर्क क्या होता है, टास्क क्या होता है एक्चुअली में। तो रंके जो हमने अभी पढ़ा, लियोपोल्ड वॉन रंके, उनके अकॉर्डिंग जो हिस्टोरियन का काम होता है वो होता है कि वो पास्ट को डिस्क्राइब करे जैसे वो एक्चुअली में था, यानी कि जो सपोज किसी इंसान की लाइफ सिचुएशन थी और उसको वही सेम बताना है, कुछ इंटरप्रेट नहीं करना, कुछ अपने आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना, जैसे था वैसे ही बताना, ये काम होता है हिस्टोरियन का। अब हेगल, हेगल आए, हेगल एक जर्मन फिलोसोफर थे, इन्होंने एक लाइन दी
अपनी यू नो वर्डिंग दी कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि इतिहास अपने आप दोहराता है, यानी दोहराता है यार इतिहास एकदम, कहते हैं ना कि दोबारा से इतिहास घूमता ही है या इतिहास का पहिया वापस आता ही है। तो ये किसने लाइन दी? हेगल ने दी। अब इनके बाद आए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कौन थे? कार्ल मार्क्स एक जर्मन इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर थे। इन्होंने यही लाइन को एक्सटेंड किया, इन्होंने बोला हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट तो करती है लेकिन पहले एक ट्रेजेडी की फॉर्म में, देन बाद में फार्स की फॉर्म में। सो इन्होंने कहा इतिहास दोहराया जाता है लेकिन पहले एक ट्रेजेडी की फॉर्म में और अगली बार एक फार्स की फॉर्म में। फिर आए ईएच कार। ईएच कार ने क्या कहा? इन्होंने भी एक अपनी हिस्ट्री के बारे में वर्डिंग दी। इन्होंने कहा हिस्ट्री एक ऐसा अनएंडिंग डायलॉग है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। अल्टीमेटली पास्ट और प्रेजेंट तो कभी खत्म ही नहीं होना है। आज हमारा ये प्रेजेंट है, कल को हम दूसरी एज ग्रुप में जाएंगे, एडल्टहुड में जाएंगे, एडल्टहुड तो हो गया, यू नो आप बुढ़ापे में जाएंगे, तो बुढ़ापे में जब जाएंगे तो हमारा ये पास्ट होगा। तो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में जो हिस्ट्री है वो तो एक अनएंडिंग डायलॉग ही है ना हर किसी के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट हिस्ट्री इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो आगे के टॉपिक्स है हम वही सेगमेंट्स में ही करेंगे, एक साथ कराऊंगी, समझ नहीं आएगा, इसके नोट्स बनाइए अच्छे से, और कुछ समझ ना आए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।